अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुलाम मुस्तफा अस्सलाम स्टूडेंट बिल्डर्स प्लेटफॉर्म से। बैरियर टाउन कराची के अंदर मेरे साथ इस मार्केट को लेके एक बड़ी जानी पहचानी शख्सियत हैं, तो राणा दनाद साहब मौजूद हैं। हम यूबीएन ट्रेड टावर की लोकेशन पे बैठे हैं इस टाइम पे, और आज राणा साहब को यूबीएन ट्रेड टावर के ग्राउंड फ्लोर की पोजीशन दे दी गई है। इसी हवाले से हम इनके साथ बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। आज आप 3 साल पहले इस चीज़ का आपने वेट करना स्टार्ट किया था, फाइनली आपको अच्छा। नाम भी मुझे इसमें ये चीज़ बताएं कि इसकी सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर आपका एक बड़ा मेजर रोल था, ऐसी क्या रीज़न थी कि आपने जिस प्रोजेक्ट को सेल किया उसी के अंदर आपने एक अपना शोरूम भी रख लिया? अच्छा देखें, बहुत इनिशियल स्टेज पे जब हम इस प्रोजेक्ट को मार्केट कर रहे थे या बुकिंग करना हम लोगों ने स्टार्ट की, तो उस वक्त एक आम रेगुलर किसी भी एक प्रोजेक्ट की तरह हम जनरली लेके चल रहे थे। लेकिन जब मैंने एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक कमिटमेंट का लेवल देखा, जिसमें उस्मान भाई, सैफुल्ला भाई, यानी यूबीएन ट्रेड टावर की टीम और DX या इस्लाम स्टेट की टीम, जिन लोगों का ये पहला प्रोजेक्ट था, मैं शुरू में पहले प्रोजेक्ट को लेके ज़रा रिलक्टेंट था। मैंने कहा यार पता नहीं कैसा होगा, क्वालिटी कैसी होगी, क्या चीज़ें बनाएंगे, कैसी डिलीवर करेंगे, मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट इतना नहीं था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब यहाँ चीज़ें होना शुरू हो गई, NOCs मिली, डिगिंग हुई, काम स्टार्ट हो गया, और फिर इनके प्लान्स मुझे ज़रा ठीक से कन्वे हुए कि लिफ्ट्स या अंदर क्वालिटी हम इस लेवल की चीज़ें लगा रहे हैं, तो उसमें फिर हमें काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला। उसमें मैंने फिर ये समझा कि यार इतनी प्यारी लोकेशन है, मेन जनाए वेन्यू से करीब है, तो जहाँ पे हम अपने नियर एंड डियर कस्टमर्स को ये चीज़ बुकिंग करवा के दे रहे हैं, इंस्टॉलमेंट प्लान है 2-2.5 साल का, तो उसमें मेरे लिए भी अपनी एक प्रॉपर्टी बन जाएगी। तो फिर उसी टाइम पे सैफुल्ला भाई के साथ मेरी एक कमिटमेंट हुई, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ज़बरदस्त अंदाज में इसको लेके चले, और मैं समझता हूँ कि आज आई एम क्वाइट हैप्पी, और बींग कस्टमर भी मैं एक सेटिस्फाइड कस्टमर हूँ, और ओवरऑल भी मैंने देखा है कि इसमें क्वालिटी या सारी चीज़ों को बड़े अच्छे अंदाज में लेके चले। अच्छा, आपने काफ़ी सारी बिल्डिंग्स बैरियर टाउन के अंदर बेची भी हैं और डेफिनेटली उनका प्रदर्शन भी मिला, आपको ये कमर्शियल, क्योंकि प्योरली कमर्शियल बिल्डिंग है ना, प्योरली कमर्शियल बिल्डिंग्स जो दीगर हैं यहाँ बैरियर टाउन के अंदर मेन जहाँ के ऊपर, उनमें और इनके अंदर जो क्वालिटी का एक मेजर डिफरेंस है कोई आप वो 2-3 पॉइंट अगर डिफाइन कर? अच्छा देखिए, सबसे पहले जो एक बिल्डिंग बनी थी यहाँ पे GT टावर के नाम से, उबैद भाई की बिल्डिंग है डाउन टाउन, और नीचे सुजुकी का शोरूम बना हुआ, वो बिल्डिंग मुझे ज़ाती तौर पर पसंद थी। उसमें क्वालिटी को मेनटेन रखा गया, और फिर मैं समझता हूँ कि कोई भी काम की सिलेक्शन हो, छोटा मोटा मटीरियल भी था, उसको मनहूज़े खातिर रखा गया उसकी फिनिशिंग में भी। अच्छा, स्ट्रक्चर तो ऑलमोस्ट सबके सेम ही होते हैं, आ जाके जो फिनिशिंग पे जब जो चीज़ लग रही है उस टाइम लोगों का मैं समझता हूँ कि सामने आ रहा होता है काम, लोग यानी जो मेकअप देखते हैं ये समझते हैं कि ये फिनिशिंग जिसने अच्छी की उसी का क्वालिटी वर्क अच्छा है। और अच्छा, और भी दीगर बिल्डिंग बहुत अच्छी जिनकी मैं बड़ी तारीफ करता हूँ, और यूबीएन ट्रेड टावर इज़ वन ऑफ देम, जिसमें मैं ये समझता हूँ कि मैनेजमेंट ने फिनिशिंग के दौरान भी हमें मुशावरत में रखा कि आपके कस्टमर्स का फीडबैक क्या है, इसमें सीलिंग कैसी होनी चाहिए, और डोर जो है वो वुड के लगाएं या ग्लास के लगाएं, एल्यूमिनियम ग्लास की क्वालिटी, फिर जो इलेक्ट्रिकल वर्क था लिफ्ट की क्वालिटी पे, और मार्बल, फिर इस तरह से चीज़ों को डिस्कशन में रखा। और मैं समझता हूँ कि जब चीज़ें सारी आपके साथ डिस्कशन में और सेटिस्फैक्ट्री अंदाज में एक लेवल पे लगी, तो उस पर फिर काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें रहती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, तो मैं सेटिस्फाइड भी हूँ, और आई कैन से कि UBN इज़ वन ऑफ द बिल्डिंग जो बैरियर टाउन में बहुत अच्छी बनी है, जिसमें क्वालिटी को मनोज़े खाते रखा गया। फर्दर को आपका फीडबैक? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मैं आज पहला कस्टमर हूँ कस्टमर के तौर पर, अगर मैं देखूँ जो जिन्होंने सैफुल्ला भाई के हाथ से आज चीज़ हासिल की हैं अपने ऑफिस को लेके, और मज़ीद मैं कस्टमर्स को भी इनवाइट करता हूँ कि ऊपर ये 15-story बिल्डिंग है, और इसमें अराउंड कोई 100 के करीब तो लोग हैं जिन लोगों ने बुकिंग करवाई है, और बहुत सारे लोगों ने पोजेशन ले भी लिया है, और डेली बेसिस पे लोग आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन लोगों ने अभी डॉक्यूमेंटेशन या इन चीज़ों पर या अपने कुछ चार्जेस जो पेंडिंग है वो नहीं दिए। मैं अपने कस्टमर्स को ये पैगाम दूंगा कि आप लोग आइए, अपने जो वाजिबुल अदा आपकी जो भी रकम है वो अदा कीजिए, चीज़ हासिल करें, एक रेडी प्रॉपर्टी है बैरियर टाउन कराची में,
आज अगर किराए कम है या कीमतें कम है, वक्ती तौर पर इससे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सब्र और कर लें, क्योंकि आपने 2-2.5 साल 3 साल का अरसा यहाँ पे वेट किया हुआ है। मजीद वेट करेंगे आपको रेंट्स भी अच्छे मिलेंगे और इसकी प्राइस भी अच्छी मिल जाएगी। और बिलीव मी, एज पर लोकेशन, दिस इज वन ऑफ द टॉप लोकेशन इन बैरिया टाउन कराची। मेन जिना एवेन्यू के ऊपर बैरिया के गेट से जैसे ही अंदर आते हैं सामने ये बिल्डिंग है और एक्टिविटी चल रही है, काम हो रहा है, अपना कारोबार कर सकते हैं। यानी कब्जा लीजिए और अपने ऑफिस को, यानी मालिक तो आप ऑलरेडी हैं, फिर ये वाहिद बिल्डिंग है जिसका बैरिया टाउन से बेबी फाइल बनता है, ठीक है। और ये मुझे मुस्तफा भाई आपके बारे में ये पता चला था कि जहाँ पे जिन लोगों ने कब्जा लेना है, मुस्तफा भाई एज ए कोऑर्डिनेटर या सवाले मैनेजर, बिल्कुल ऐसे ही है, आप लोग खुद ही देखने हो। मैं खुद ही देख रहा हूँ इसको, ठीक है। और किसी भी कस्टमर के, इवन आपने जिन लोगों को भी सेल आउट किया है, जी जी, तो मेंटेनेंस रिगार्डिंग वो अपने ऑफिस को पोजीशन लेने आते हैं तो वहाँ कुछ काम बाकी है, तो आप हमें अपडेट कराएं इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है, मैं अपने कस्टमर्स को इस वीडियो के जरिए ये भी पैगाम देता हूँ कि मुस्तफा भाई हमारे यहाँ पे मैनेजर होंगे और यूपीएन ट्रेड टावर पे डीएक्स और स्लाम स्ट्रीट की तरफ से, जो कि हमारे कस्टमर सर्विस के लिए, कस्टमर केयर के लिए ये मौजूद है। अगर किसी कस्टमर का कोई भी इसमें कोई काम बाकी है, कोई रकम अगर बाकी है जो उन्होंने अदायगी करनी है, और काम में या कहीं भी कोई आप लोगों को पोजेशन लेने से पहले अगर कोई कमी कोताही हो गई या कुछ रह गया, तो वो आप मुस्तफा भाई से कोऑर्डिनेट करके अपने चीज़ों को ए प्लस प्लस किस्म की क्वालिटी में ले जा सकते हैं और अपनी ईज हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मुस्तफा भाई। थैंक यू सो मच।